द पंजाब टीवी देख रही सारे दर्शकों का स्वागत है। चंडीगढ़ की नगर निगम चोणा जितण तो बाद आम आदमी पार्टी हुण एक्शन मोड दे विच दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी वालों पंजाब के पटियाला विच अज शांति मार्च कढ़िया गया, जिस दे विच अरविंद केजरीवाल भगवंत मान दोनों ने शांति मार्च नूं संबोधन भी किया। अरविंद केजरीवाल वालों विरोधियों ते निशाने साधदे कहा गया कि विरोधी पार्टियां पंजाब का माहौल खराब कर रही ने। उत्थे ही अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार ते निशाने लाउंदे कहा कि पंजाब सरकार सब तो कमजोर सरकार दिखाई देती है, क्योंकि पंजाब सरकार सीएम की कुर्सी पिछे ही लड़ती नज़र आ रही है, जिस करके उसने पंजाब का भला तो की करना है, वो अपने ही सियासत लिए कुर्सी पिछे लड़ रहे हैं। होर की कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने थानू सुना दें। दोस्तों, चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के पहले ये इन्होंने फिर से अपनी गंदी हरकतें शुरू कर दी हैं। अभी कुछ दिन पहले श्री दरबार साहब जी में गया, सरकार ने कहा था 48 घंटे में पकड़ा जाएगा। आज इतने दिन हो गए, 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? उसके ब्लास्ट हुआ, किसने करवाया उसका मास्टर? जिसने भी बरगाड़ी में बेअदबी की थी उसके मास्टरमाइंड को आज तक नहीं पकड़ा गया। तो दोस्तों, माहौल दोबारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये पार्टियां और ये नेता, इनके भरोसे अगर हमने पंजाब छोड़ दिया तो ये पंजाब को बर्बाद कर देंगी। अब पंजाब को एक ही आदमी बचा सकता है, पंजाब का आम आदमी। आप सब लोग बचा सकते हैं, आप सबको, हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और आज मुझे बड़ी खुशी है, इतने हजारों हजारों दूर तक मेरे को दिखाई दे रहे हैं, झंडे ही झंडे दिखाई दे रहे हैं। आज यहाँ हजारों पंजाबी इकट्ठे हुए हैं, ये हजारों हजारों लोग अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए उन 3 करोड़ पंजाबियों की तरफ से उन शक्तियों को, पंजाब के दुश्मनों को संदेश देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे, हम पंजाब का माहौल खराब नहीं होने देंगे, हम पंजाब का भाईचारा खराब नहीं होने देंगे, हम पंजाब की शांति खराब नहीं होने देंगे। इन लोगों को जो मर्जी करने दो, अब हमें पंजाब की सत्ता जनता के हाथ में देनी है। जनता निर्णय लेगी और पंजाब सरकार उसी के हिसाब से चला करेगी। दोस्तों, आज मुझे बड़ा दुख है, पूरी की पूरी पंजाब सरकार, इससे कमजोर सरकार आज तक कभी नहीं आई। आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, इनको किसी को पंजाब की परवाह नहीं है, पंजाब के माहौल की परवाह नहीं है, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा। सीएम की लड़ाई चल रही है, कुर्सी की लड़ाई चल रही है, पंजाब की चिंता किसी को नहीं है। इतनी कमजोर सरकार आज तक मैंने कभी नहीं देखी। आज ये पंजाब सरकार पंजाब के अंदर शांति बहाल करने में नाकामयाब है। आने वाले चुनाव में पंजाब सरकार पलटनी है और एक ईमानदार सरकार लेके आनी है, ईमानदार पार्टी की सरकार बनानी है। दोस्त, आज यहां हजारों लोग जो आप आए हैं, आप सब लोग पंजाब की उम्मीद हैं, आप सब लोग हमारी उम्मीद हैं। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतने कम समय में, हमने 3 दिन पहले आह्वान किया था, इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, यही पंजाब की सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से हमें उम्मीद है कि पंजाब की शांति और पंजाब का भाईचारा कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकती।